Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear aspirants, aaj hum baat karne ja rahe hain 146 PMA long course pe. Jaisa ki aap logon ko agar idea ho to PMA long course ki vacancies jo ki ISSB ke through final selection hoti hai Pakistan Army ke officers ki और इस हर कोर्स को जिससे ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उनको पीएमए लॉन्ग कोर्स कहते हैं पाकिस्तान आर्मी जो है ये साल में दो दफ़ा अनाउंस करती है जॉब्स कमीशन्ड ऑफिसर के लिए और इसमें नॉर्मली जो कंडीशंस होंगी वो हर कोर्स के लिए यही अप्लाई होती हैं तो आपको वरी होने के लिए और आपके जितने भी अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी क्राइटेरिया पूरा है तो आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हम उस पर आपको मज़ीद डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कोशिश करेंगे कि इस सेशन में आपके जितने सवाल आते हैं हम उनको एड्रेस करें और पाकिस्तान आर्मी जो कि एक फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए और कोई भी जो इसकी एलिजिबिलिटी पूरी कर पाता है तो उसका ये ख्वाब होता है कि इस सर्विस को ज्वाइन करे तो इसकी लास्ट डेट सबसे पहले 146 पीएमए लॉन्ग कोर्स की 8 मई 2020 है तो उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना होगा उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी 1 नवंबर 2020 को यानी कि जब आपने अपनी एज कैलकुलेट करनी है तो आपने ये कंसिडर करना है कि आप 1 नवंबर तक पहुंच चुके हैं और फिर आपने देखना है कि ये आपकी कंडीशंस पूरी होती हैं या कहीं पर आपको इशू आ रहा है सबसे पहले इंटरमीडिएट होना लाजमी है या उसके इक्वल जो कि इंटरमीडिएट के यानी कि ओ लेवल हो तो इंटर के बराबर होता है तो उसकी एज लिमिट 17 साल से लेके 22 साल तक होगी और इसमें रिलैक्सेशन है 3 महीने की यानी कि 17 साल से अगर 3 महीने कम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं 22 साल से 3 महीने ऊपर हो रही है तो भी आपको कोई इशू नहीं है 3 महीने की रिलैक्सेशन है सेकेंड नंबर पर अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है या सर्विंग है पाकिस्तान नेवी में पाकिस्तान एयरफोर्स में पर्सनल में तो फिर उसकी एज लिमिट 17 से 23 साल होगी और अगर आप ग्रेजुएट हैं और 4 ईयर आपने डिग्री की हुई है बीएस हो या बीए हो बीबीए हो या बीपीए हो तो आपकी एज लिमिट 17 से लेकर 24 साल तक हो जाएगी यानी कि रिलैक्सेशन मोर फॉर 1 ईयर इसके अलावा सर्विंग आर्मी सोल्जर जो हैं सिर्फ आर्मी सोल्जर है पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी सोल्जर्स की बात नहीं है सिर्फ आर्मी सोल्जर्स के लिए 17 से 25 साल तक बाकी सर्विसेज जो हैं नेवी और एयरफोर्स उनके अगर सर्विंग हैं तो उनके लिए 17 से 23 साल है या फिर जो 2 साल का जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनके लिए भी 17 से 23 साल है ये तो हो गया एज का क्राइटेरिया और आपने 1 नवंबर को देखना है और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं तो जेंडर में सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं ना फीमेल ना शीमेल कोई भी बाकी नहीं अप्लाई कर सकता सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं अगर शादी का स्टेटस हो अगर कोई मैरिड है तो फिर उसके लिए क्या रिलैक्सेशन है या क्या कंडीशंस हैं अगर सिविलियन हैं आप टोटली आप स्टूडेंट के बाद यानी कि एजुकेशन के बाद आप जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो फिर आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है अगर कोई सर्विंग है और उसकी 20 साल से एज ऊपर है तो वो मैरिड भी है तो अप्लाई कर सकता है नेशनैलिटी पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर का उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए और अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो सिलेक्शन के बाद उसको एक शहरियत जो है यानी कि फॉरनर वो सरेंडर करनी पड़ेगी ख़त्म करवानी पड़ेगी फिज़िकल स्टैंडर्ड मिनिमम जो है वो 5 फुट 4 इंच जो कि सीएम्स में यानी कि सेंटीमीटर्स में 162.5 सेंटीमीटर बनता है और वेट जो है जितनी आपकी हाइट होगी उसके हिसाब से रिलैक्सेशन भी होती है और बीएमआई के ज़रिए वो देखा जाता है कि आप ओवरवेट तो नहीं हैं एजुकेशन की बात की जाए तो मार्क्स इन एफए मिनिमम 60% एफए है या एफएससी है आपकी उसमें होने चाहिए सेकेंड नंबर पर कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क्स इन बीए बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स थे लेकिन आपने जो है इंटर में वो 50% थे मार्क्स तो भी आप एलिजिबल हैं 50% से कम नहीं होने चाहिए अच्छा इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स एफ ए एफ एस सी में यानी कि अगर आपके 55% मार्क्स आ रहे हैं 60% को नहीं टच कर रहे फॉर द कैंडिडेट फ्राम स्पेसिफाइड एरियाज़ ऑफ डोमिसाइल यानी कि जो बलूचिस्तान के हैं फाटा के गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोस्तान चित्राल दील
तहसील बालाकोट कागान नरान ऑफ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा एनकेपी के, इसके अलावा थरपारकर तहसील उमरकोट जो कि सिंध के एरियाज़ हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर एरिया ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट है, इसके अलावा ड्रावर फोर्ट और सलमसर मुजगढ़ और दीनगढ़ ऑफ पंजाब, ये इलाके भी एग्जेम्पशन है इनको 5% मार्क्स की। बिसाइड बीइंग डोमिसाइल होल्डर द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बिन एक्चुअली स्टडीइंग इन द सेम एरिया। अगर आपका वहाँ का डोमिसाइल है और आपने स्टडी इस्लामाबाद में रह के की है तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी में 5% की जो मार्क्स की रिडक्शन की रिलैक्सेशन है वो नहीं होगी। लिहाजा अगर आप वहाँ के रहशी हैं, डोमिसाइल वहाँ का है, वहाँ पे किसी स्कूल से ही आपने पढ़ा होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे। सर्विंग आर्मी सोल्जर जो है उनके 50% एफ ए या एफ एस सी या इक्विवेलेंट उनको अगर कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके बराबर उनके मार्क्स होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया और सेकंड ईयर का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, होप सर्टिफिकेट उनको सबमिट करना पड़ेगा। उसकी क्या कंडीशन है? कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 60%, यानी कि पार्ट वन में उनके 60% मार्क्स आए थे एंड अपीयर्ड आर अपीयरिंग इन पार्ट सेकेंड फाइनल एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई ऑन द होप सर्टिफिकेट बाई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि हेड मास्टर से आपको होप सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ेगा कि ये बच्चा 60% से ज़्यादा मार्क्स ले जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स नॉट इशूड विद सर्टिफिकेट और इन पोजेशन ऑफ डुप्लीकेट रिवाइज मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक इंटरमीडिएट बीए बीएससी मस्ट गेट ए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साइन बाई सेक्रेटरी कंट्रोलर एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न बोर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मार्कशीट वगैरह नहीं मिली तो आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ से साइन करवा के प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नंबर सिक्स पे है ए लेवल कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन द पाकिस्तान विद एग्रीगेट 60% मार्क्स आर एलिजिबल विद आउट सीकिंग इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज कैलकुलेटेड बाई IBCC। हाउएवर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ए लेवल एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अब्रॉड और हैव पास्ड फ्रॉम पाकिस्तान विद द रिजल्ट लेस दैन 3 C's आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाई IBCC। अगर आपका ए लेवल पाकिस्तान का है तो आपको IBCC से कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने बाहर से ए लेवल किया है और अगर किसी का CCC आ जाता है, यानी कि तीन सब्जेक्ट में सी ग्रेड के मार्क्स लेता है, तो उसको IBCC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद है इन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉलोइंग आर इन एलिजिबल, कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते। ट्वाइस रिजेक्टेड बाई ISSB, आप ऑलरेडी दो दफ़ा ISSB से रिजेक्टेड हैं। ट्वाइस स्क्रीन आउट बाई ISSB, ISSB में जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें आप स्क्रीन हो चुके हैं दो दफ़ा तो भी आप नहीं अप्लाई कर सकते। इसके अलावा सी टेस्टेड विद इन 4 months, यानी कि 120 days गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस इन ISSB एक्सेप्ट वेवर ग्रांटेड बाई द कम्पिटेंट अथॉरिटी। हाउ एवर बार ऑफ 120 days विल नॉट एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स अपियरिंग इन GHQ, NHQ, AHQ सिलेक्शन बोर्ड। आपने पहले दिया था 120 दिन अभी तक हुए हैं किसी टेस्ट में अपियर हुए थे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे इनिशियल टेस्ट, लेकिन आप इन दिनों में ISSB या GHQ, NHQ से आप जो है इनके जो सिलेक्शन बोर्ड हैं उनसे रिजेक्टेड हैं तो 120 डेज़ के अंदर भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ISSB से रिजेक्टेड हुए हुए आपको 120 दिन नहीं हुए तो फिर आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते। इसके अलावा डिसमिस्ड रिमूव्ड डिबार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विंग इंक्लूडिंग आर्मड फोर्सेज, यानी कि आर्मड फोर्सेज से पहले आप डिबार हो चुके हैं, आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पे एज ए सिपाही भी आपको निकाला गया होगा तो भी आप नहीं अप्लाई कर सकते। इसके अलावा कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी हीनियस ऑफेंसेस, अगर आपका कोई ऐसा ऑफेंस है और आप कन्विक्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, तो आप अनफिट हैं। परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाई अपील मेडिकल बोर्ड PUF बाई AMB के ज़रिए आप परमानेंट अनफिट हुए तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड अनफिट बाई एनी आर्मड फोर्सेज हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाई अपील मेडिकल बोर्ड, अगर मेडिकल बोर्ड को अपील करने के बाद वो क्लियर हो चुके तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं किया, अप्लाई किया, अपील वगैरह नहीं की, आप फिर भी
अनफिट थे तो आप नहीं कर सकते। हाउएवर पीएफ कैंडिडेट्स हु बिकम मेडिकल अनफिट फॉर फ्लाइंग बट फिट फॉर ग्राउंड ब्रांचेस कैन अंडरगो रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन एज नॉर्मल कैंडिडेट्स इफ दे आर डिजायरस टू ज्वाइन द अदर आर्मीज। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई जीडीपी के लिए फिट नहीं था और दोबारा उसने नॉर्मल मेडिकल जो कि आईएसबी के लिए होता है ग्राउंड सर्विसेज के लिए पाकिस्तान आर्मी की हो, पाकिस्तान नेवी की हो, पाकिस्तान एयरफोर्स की हो, तो आप उसमें एलिजिबल हैं। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, अगर हेपेटाइटिस की वजह से अनफिट हुए तो भी आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा विदड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्मड फोर्सेज कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, अगर आप ने किसी आर्मी के इदारे को ज्वाइन किया था और डिसिप्लिनरी बेसिस पे आपको निकाला जा चुका है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। विदड्रॉन डिस्चार्ज रिजाइन और परचेज ऑफ कमीशन फ्रॉम एनी आर्मड फोर्सेज ऑफिसर एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑन एनी ग्राउंड, तो अगर किसी ने विदड्रॉ कर लिया था या डिस्चार्ज ले लिया था कमीशन लेने के बाद अकेडमी से तो भी वो दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकते। इसके अलावा टेम्परिंग ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट फॉर्जरी कंसीलमेंट टू गेट undue advantage will render to applicant permanently ineligible for all types of commission in armed forces, अगर documents में कहीं temperament की है, कोई change की है या इस तरह का कोई offense किया हुआ है तो भी आप eligible नहीं रहेंगे। तीसरे number पर registration and preliminary selection procedure के आपका registration आपने किस तरीके से करवानी है और उसके अलावा आपने इनिशियल जो टेस्ट है जो जिसकी हम ऑफ़र अभी स्टार्ट में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमें। और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, कैंडिडेट्स कैन आइदर रजिस्टर थ्रू इंटरनेट और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ASNRCs, फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड, आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, इंटरनेट में आपकी कमांड नहीं है, आपके पास इंटरनेट को एक्सेस नहीं है या यूज़ करना नहीं आता, तो आप वरी नहीं हूँ, हम उसमें भी एक वीडियो बना देंगे कि आपने वन बाई वन किस तरीके से वेबसाइट को ओपन करना है, कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन देने, आप स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करते जाएं तो हम आपको वो तरीका भी समझा देंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट किस तरीके से कर सकते हैं, ए कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑन वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड ऑन इंटरनेट फॉर विच एन इंडिविजुअल शुड हैव ईमेल अकाउंट, तो आपका ईमेल अकाउंट पहले होना ज़रूरी है और जब आपका टेस्ट कंडक्ट होने की तारीख फाइनल होगी तो वो आपको ईमेल आ जाएगी कि फलां डेट को आपका टेस्ट है। कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट ऑन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम गिवन फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप, रोल नंबर स्लिप जो आपको मिलेगी आएगी आपकी, उस पे टाइम और डेट लिखी होगी, उस टाइम आपको पहुंचना होगा सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्शन सेंटर पे। डेट वंस गिवन विल नॉट बी चेंज, कैंडिडेट विल आल्सो ब्रिंग अलोंग ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन पैरा 6 एंड विल पे प्रॉस्पेक्टस फी ऑन द डे ऑफ टेस्ट, तो जिस दिन टेस्ट होगा आपको फ़ी भी पे करनी पड़ेगी और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने जिनका जिक्र बाद में आएगा। कैंडिडेट्स मस्ट अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज रजिस्ट्रेशन एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, तो बेहतर है आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी कर लें, इंशाल्लाह वो भी हम कंप्यूटर के हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, हम जो हमारे जो होंगे ज्वाइन करने वाले हम उनको कंप्यूटर की बेसिक भी समझा देंगे, सिखा देंगे और ऑफिस वगैरह को यूज़ करना भी उनको उनके कोर्स में शामिल कर देंगे, तो आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर, अगर आप सेंटर पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फिर द कैंडिडेट में रिपोर्ट एट नियरेस्ट ASNRCs फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन पैरा 6 एंड द प्रॉस्पेक्टस फी फॉर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, द कैंडिडेट्स हु विल ब्रिंग दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ टेस्ट एज वेल, तो उसको उस दिन टेस्ट के दिन में भी ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए अगर सिलेक्शन सेंटर को विजिट करता है तो लेके जाता है। स्केड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रिलिमिनरी टेस्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग स्केड्यूल, तो रजिस्ट्रेशन जो है 6 अप्रैल से लेके 8 मई तक, ये PMA लॉन्ग कोर्स 146 की, अगर कोई बाद में देखने वाला है इसको देखेगा तो वो अपनी अकॉर्डिंगली डेट देख ले, ये 146 PMA लॉन्ग कोर्स के लिए डेट दी गई है। तो जो इनिशियल टेस्ट होगा उसकी क्या है, ड्यू टू
prevailing health situation in country, exam dates will be issued later on the website. Keep visiting website www.joinpakarmy.gov.pk for latest information. तो हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी टेस्ट का स्केड्यूल नहीं इशू किया गया, लिहाजा आपको टाइम टू टाइम विज़िट करना पड़ेगा वेबसाइट को और इंटीमेट वहाँ पे किया जाएगा. नोट क्या है, द TCC कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर PMA लॉन्ग कोर्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज रिपीटर कैंडिडेट्स. जिन्होंने पहले ISB वगैरह में गए हुए हैं तो वो रिपीटर काउंट होंगे और पहले यानी कि रिकमेंडेड नहीं हो पाए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिपीटर कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट कंसर्न SRC फ्रॉम 10 to 13 May 2020 फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट. तो जो रिपीटर हैं उनका टेस्ट जो है वो 10 से 13 मई 2020 तक होगा. अच्छा, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन का जो तरीकाकार क्या है, सबसे पहले रिटन और आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसकी हम स्टार्ट से ही आपको प्रिपरेशन की जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका भी तरीकाकार आपको समझा देंगे. और आपको अब कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वन बाय वन बड़े अच्छे और आसान तरीके से हम सारे के सारे जो पार्ट्स हैं रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट के, वो इस तरीके से करवाएंगे कि इंशाल्लाह आपने थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस की तो ये आपका टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा. रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ पैटर्न पे होंगे फ्रॉम इंग्लिश, मैथ, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज. द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल अंडरगो फिजिकल मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यूज एट ASNRC. तो हम इनिशियल टेस्ट में इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे और ये जो आपके सारे सब्जेक्ट मेंशन हैं जिनमें इंग्लिश है, मैथ है, पाक स्टडी है, इस्लामियात है और जनरल नॉलेज है और इसके अलावा इंटेलिजेंस की जो आपकी तैयारी है वो भी हम करवाएंगे. तो फिज़िकल टेस्ट में क्या चीज़ होगी जो सेकंड फेज़ में आपका होगा टेस्ट रिटन के बाद, द कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग फिज़िकल स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन. तो 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर. पुशअप्स भी होंगे, नंबर आपने गिवन, आपको कम से कम 30-40 की होनी चाहिए प्रैक्टिस. सेटअप्स वो भी आपसे करवाए जाएंगे, इनके भी 101 तक आपको आना चाहिए. चिन अप जो है 10-12 आप कर सकते हो, ये आपको करनी है. डिच क्रॉसिंग ये भी एक होती है, एक खड्डा सा होता है जिसको आपने छलांग लगा के क्रॉस करना होता है, जंप लगाना होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए. इंटरव्यू जो आपका इनिशियल होगा वो आपका सिलेक्शन सेंटर पे ही होगा. सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यू एट ASNRC एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर ISB. तो ISB की शॉर्टलिस्टिंग के लिए तभी आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे जब आप ये इंटरव्यू क्लियर करेंगे. सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल रिसीव नोटिस फॉर ISB टेस्ट थ्रू वेबसाइट एज वेल एज कॉल अप लेटर. तो आपको कॉल लेटर भी आ जाएगा, वेबसाइट पर भी आपको बताया जाएगा. फर्दर सिलेक्शन जो है कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड एंड बाई ASNRC विल बी कॉल्ड फॉर ISB. तो पहला इनिशियल टेस्ट फाइनल हो जाने के बाद, इंटरव्यू वगैरह क्लियर करने के बाद आपको ISB कॉल किया जाएगा. इंशाल्लाह हम अगर हालात जैसे भी होंगे तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन इस दफ़ा ISB की कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली उनके लिए जो फिनेंशियली वीक हैं और बड़ी अकेडमीज की फीसेज पे नहीं कर सकते, बड़े सिटीज़ में नहीं जा सकते. तो आप घर बैठे ही हम आपको इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जिनको आप समझने के बाद इंशाल्लाह ये टेस्ट आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे. कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड बाई ASNRC विल बी कॉल्ड फॉर ISB मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ISB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट एट नियर बाई CMH. तो जब ISB से जब आप रिकमेंड हो जाएंगे तो आपको CMH में मेडिकल करवाना पड़ेगा. वैसे नॉर्मली छोटा सा मेडिकल जो होता है इनिशियली वो एक दफ़ा ISB में भी होता है लेकिन वो फाइनल मेडिकल नहीं होता. द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट GHQ ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस. तो फाइनल मेरिट लिस्ट GHQ में ही बनेगी आपकी सिलेक्शन के लिए. ट्रेनिंग पीरियड जो है PMA लॉन्ग कोर्स में वो 2 साल का होगा. डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं ASNRC में, जो कि छठे पैराग्राफ की बात की गई थी, उसमें क्या क्या चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट ऑफ मैट्रिक, FAFSC इक्विवेलेंट. तो FAFSC के जो मार्कशीट है जहाँ पे आपकी सब्जेक्ट की डिटेल लिखी होती है कि आपने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए, उसको मार्कशीट कहते हैं, वो आपने लेके जानी. इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड NIC आपने शनाख्ती कार्ड अगर आपके 18 साल से एज ऊपर हो चुकी है, और अगर नीचे है तो आपको फॉर्म बे जो है, जिसको फॉर्म बी कहते हैं इंग्लिश में, अलॉन्ग विद गार्डियन कंप्यूटर
नेशनल आईडी कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आपकी एज लिमिट 18 साल से कम है तो आपको पेरेंट्स या आपका बड़ा भाई आपको लुक आफ्टर कर रहा है तो उसका CNSA आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन किए हैं कि इनकी एक अटेस्टेड कॉपीज़ का सेट भी लेके जाना है आपने। और मज़ीद क्या चीज़ें हैं, 3 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ अटेस्टेड जो होने चाहिए फ्रंट एंड बैक से, वो आपने लेके जानी है। और ये फर्स्ट गजटेड ऑफिसर यानी कि 17 ग्रेड या उससे ऊपर के किसी अफसर से साइन आपने करवाने। ई जो है ओरिजिनल एज वेल एज वन फोटोकॉपी ऑफ नॉट रिकमेंडेड लेटर बाय ISSB आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रिपीटर कैंडिडेट्स। अगर कोई रिपीटर है तो उससे उसके पास नॉट रिकमेंडेड का लेटर भी जो है वो भी होना चाहिए। ओल्ड नेशनल आईडी कार्ड एंड फॉर्म बी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो पुराने शनाख्ती कार्ड और फॉर्म बी नहीं चलेंगे। पाकिस्तान नेशनल रिसाइडिंग अब्रॉड, अगर कोई पाकिस्तानी है लेकिन बाहर रह रहा है अपने पेरेंट्स के साथ तो वो क्या करेगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स रिसाइडिंग अब्रॉड आर एग्जेम्प्टेड फ्राम प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, यानी कि जो बाहर रह रहे हैं उनकी इनिशियल जो सिलेक्शन का जो तरीकाकार है वो उससे एग्जेम्प्ट है। हाउ एवर डिफेंस अटैचेज विल असर्टन देयर ओवरऑल सूटेबिलिटी, यानी कि जहाँ पे एम्बेसीज हैं वहाँ पे डिफेंस अटैच ही होता है वो उनकी सूटेबिलिटी रिकमेंड करेगा। फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड स्टेमरिंग एस्पेक्ट्स वगैरह, तो जो भी उनके हैं मेडिकल वो अपना चेक करके आपको रिकमेंड करेंगे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्रोच पाकिस्तान एम्बेसीज मिलिट्री डिफेंस अटैचेज इन दी कंट्री वेयर रिसाइडिंग, यानी कि आप सऊदी अरब में तो सऊदी अरब के पाकिस्तानी एम्बेसी के पास जाएँ, वहाँ पर डिफेंस अटैची के पास जाएँ तो आप उनको बताएँ, वो आपको गाइड कर देंगे। फॉर इशुएंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। दे विल सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद कंसर्न डॉक्यूमेंट थ्रू पाकिस्तानी एम्बेसीज बाई 16 जुलाई 2020, तो उनको 16 जुलाई 2020 तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे, अप्लाई करने का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ए पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100 एंड बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹500 इन द नेम ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट GHQ रावलपिंडी विल बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, तो उनको ये एक बैंक ड्राफ्ट और जो एक पोस्टल ऑर्डर है ₹100 का वो अटैच करना पड़ेगा। पोस्टल एड्रेस इन पाकिस्तान शुड आल्सो बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म सो दैट कॉल अप नोटिस फॉर ISSB टेस्ट इंटरव्यूज एंड फर्दर क्रॉस पर्नेस टू एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन बी मेड ऑन द गिवन पाकिस्तानी एड्रेस। नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी एडमिजिबल फॉर द ट्रैवलिंग टू एंड फ्राम पाकिस्तान, तो आपने पाकिस्तान का भी एड्रेस देना है जहाँ पर आपको ISSB के लिए कॉल लेटर वगैरह इशू किया जा सके, और आपको आने जाने का अगर टेस्ट के लिए आना पड़े तो आपको कोई पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई TDA वगैरह ना आने का ना जाने का, आपने अपने खर्चे पे अय्याशी करनी है। नोट क्या है, इफ़ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर करंट एंट्री आर मोर देन द रिक्वायर्ड इंडक्शन, तो जितने चाहिए अफसर उनसे ज़्यादा हो जाएं तो फिर क्या होता है, द लेफ्ट ओवर कैंडिडेट वुड बी कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट PM लॉन्ग कोर्स एंट्री सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो फिर उनकी जो अगर कंडीशन पूरी होती होंगी जो मेरिट में लो होंगे उनको नेक्स्ट PMA की जो एंट्री होगी उसमें कॉल किया जाएगा। फॉर फर्दर डिटेल विजिट आप कर सकते हैं www.joinpakarmi.gov.pk और हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए www.harvardacademy और स्पेलिंग इसके हैं HARWORDACADEMY, दोबारा बोलता हूँ हार्वर्ड अकेडमी HARWORDACADEMY.com। तो आपको हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ज़रिए तैयारी करवाएंगे, आपको किसी स्पेसिफिक टाइम ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है, हम हर एक टॉपिक के लेक्चर्स इतने कम्प्रिहेंसिव बना के वेबसाइट पर डालेंगे और आपको ID और पासवर्ड मिल जाएगा आफ्टर फी सबमिशन, और फिर आप किसी भी टाइम हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें और फ़ायदा उठा सकते हैं ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी का। तो ये एड्रेस है वेबसाइट का जो गवर्नमेंट जो क्रॉस्पॉन्डेंस होगी, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें सेल फ़ोन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नंबर है हमारा 0333570626। खुदा हाफिज़।